आवाज आई गिरने की, हम तो भाग दे गए। मैं कोटे पके गिरे मारे, एक पड़ोसा है मेरे पड़ोस में खड़ी, मैं देखे मारे तो कोटे पकुत पड़े करना। वहां दूसरी उसकी दरानी की जो सिखाई होता था वहां कहा वह उठो चटका गई राजेश की पैड़िया में, उन्होंने कहा आए बच्चा तो यू पड़ा और भाई बेटे मानो तो कल से पूरा गांव ढूंढ रहा था जी। हाँ तो लगता है कि कोई गांव का ही हो सकता है, मारकर क्या सका बेटे। कितने बजे सुनी सुबह ये तड़की? सवेरी साढ़े पांच बजे सुबह साढ़े पांच घास गिर रहे डांग रहना, तो बच्चा ऊपर मरा हुआ था। हाँ मानना नहीं ऊपर देखे, मैं तो वाद आई ऊपर गिरने की, ऊपर से गिरने की बात है, मेरे छत्र पर कुछ गिर है भाई। तो बाद में देखा बच्चा जब? नहीं बाद में तो ही नहीं देखा बच्चा, तो फिर हम तो नहीं पूछे मेरे छत्र पर क्या गिर है भाई। आपका क्या नाम है? कौशल्या। तो आपका पहलू है अभी इसके बारे में क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन बाबे पे शक किया था कल, बाबे को हमने उठा लिया था और बाबे से पूछताछ चल रही थी। वो वही बाबा था सर जिसका सीसीटीवी फुटेज था? बिल्कुल, जो गांव में आया था बाबा वही था जी, उससे हमने उसको काफी पूछताछ की है। लेकिन आज जैसे हमने रात को कुमिंग की पूरे गाँव की और सील, पूरे गाँव को सील किया था चारों तरफ से, तो सुबह करीब 6 बजे मकान के लग रहा है सर भी आरोपी डर गए थे भी हम पकड़े जाएंगे इसलिए बच्चे का शव फेंक दिया, ऐसा हो सकता है जी। बाकी अभी जांच का पहलू गांव के लोग ही सर लग रहे हैं, पड़ोस के लोग हो सकते हैं। अभी देखो क्लियर नहीं कह सकते तफ्तीश का पहलू। सर 4 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ है, इनके पिता अमेरिका में रहते हैं, उनका नाम रामफल है, तो उनसे आपकी बात हुई कभी? उनकी किसी पड़ोस के लोगों से, किसी से गांव में किसी से कोई दुश्मनी हुई हो, रंजिश हुई हो जाने से पहले, कहीं उसने बदला ना लिया हो? नहीं अभी मेरी रामपाल से कोई बात नहीं। तो अब सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है? बिल्कुल सर, अगर किसी शव पे निशान है कुछ किसी प्रकार का बताया? थोड़ा निशान है, गले पे भी निशान है, कान में थोड़ा खून है और बिल्कुल गहराई से तफ्तीश। तो लोगों से अपील करेंगे तो, क्योंकि पुलिस की तमाम टीमें कल भी लगी हुई हैं, आज भी लगी हुई हैं, और जानकारी मिली है कि गांव का और आसपास के यूथ जो है 10 बजे के करीब एसपी ऑफिस पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि पुलिस की तमाम टीमें जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लें? मैंने कल भी गांव के वासियों से अपील की थी, अब आपके सामने शिफ्ट कर रहा हूं, अगर इसकी कोई हमें सूचना, सही सूचना देगा तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से गुप्त रूप से उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। तो 3 महीने पहले हमारे एक डोल के ऊपर रोड़ा हुआ था थोड़ा, हाँ इसकी मम्मी ना अपने दो तो को बुलाया, 3 जने को, इनके दो तेना रात ना फोन करे, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग पड़ी, मेरा फोन कर पड़े, मैं सुनाऊंगा भी सब ना बोले। हाँ भाई केचा हुआ तो मह भाई राम ते बात कर, बोलिया भाई तो मतलब मार इस पे खासी बैसी हुई जी पूरी, तो इन्ना बेरा था उस बात का भी भाई, वहाँ गम मेरे सारा कुछ यू गम नहीं आया तुम वाले दिन भी, क्यों नहीं आया यू जिदा आया तुम गम आया करा था सुमार ना कहू बैठक में पैर पकड़ा, बोले चाचा गलती होगी सारे काम हो गए, मन क्या कोई बात नहीं, इब हमने पूरा सका उन तीनों बंदे को भी सक के उन्हें करे। तीन बंदों को नाम क्या क्या है? नाम क्या क्या है? करी जाए एक इसका पूरा परिवार बता भाई उनके, एक बिन्नू था, एक सुभाष था और एक स्माइल था। सुबह जिनके टीम के ऊपर से बच्चे का शव बरामद हुआ है उन्हीं का मकान है? हाँ हाँ उन्हीं का जी, उन्हीं का मकान है, राजेश के मकान बराबर में। हाँ हाँ इसके बराबर ये मकान पर जो बरामद हुआ पूरी रात से। हाँ पूछा जी सारी तसल्ली करी, क्या बोले वो आपको उस समय? बोले पता नहीं क्या होया क्या नहीं, ये तो ऐसा भी काम हो रहा था, हम तो जब जीट रोड जाम करने के लिए आ रहे थे हमने रोक रहे था, हमने उस टाइम ही सक हो रहे था, ये कह रहे नहीं नहीं वहाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इन्हें ये बात हो रही थी भैया इधर उधर हो वहाँ, और हम इन्हें अतिंगी रफा दफा करा, गुमराह किया जा रहा था। हाँ गुमराह कराया जा रहा था, डोल के पीछे लड़ाई थी। हाँ डोल के सुबह 5 बजे हमारे को बोला गया तुम अरे यहाँ पे अभी आधे घंटे पहले मेरे सामने, मैंने उससे वहाँ जाके बोलिया महाराजेश कर दियो कोई काम, बोलिया ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा पक्का श्योर है, बोले फिर बनती ना काम करे उसकी वाइफ ने जी, हमने पूरा सका उसकी मम्मी ने और उसकी वाइफ ने यू काम कराया, खुद मानना या बात हो मेरे मुंह की दुश्मनी उनकी, 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 उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चे हैं जी। पुलिस अभी यहाँ से किसको उठाकर लेकर गई है? ये राजेश को लेकर गई है जी, राजेश को आना।